इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजीपे का न्यू वर्जन आ गया है, उस न्यू वर्जन को अपन कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में डिजीपे को सर्च करते हैं। यहाँ पर ये डिजीपे इस प्रकार से आ जाता है। सबसे पहले अपन पुराने वाले डिजीपे को अनइंस्टॉल पर क्लिक करके अनइंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद में अपन वापस से न्यू डिजीपे को इंस्टॉल करेंगे। वो न्यू वर्जन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो न्यू वर्जन 6.4 आ गया है। तो वापस से इसी प्रकार से अपन प्ले स्टोर के अंदर डिजीपे को सर्च करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डिजीपे पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे और ओके कर लेंगे। तो हमारा डिजीपे न्यू वर्जन है ये बिल्कुल डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो जाएगा। ये 8.31 MB का अभी न्यू डिजीपे का एप्लीकेशन आया है। और इसके बाद में अपन इस डिजीपे को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पर चेक करते हैं कि न्यू डिजीपे के अंदर हमारे को क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद हमने यहाँ पर डिजीपे को ओपन कर लिया है और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर भी अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पर अलाउ कर दें, परमिशन को पूरी अपन अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर CSE ID को लगा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिजीपे है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर OTP डालते हैं, गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो डिजीपे का OTP आएगा मोबाइल एप्लीकेशन का। हम यहाँ पर OTP डालेंगे। उसके बाद में आगे हमारे को क्या करना है, आप थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। OTP डालने के बाद में हम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर राइट करते हैं, स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सभी को आती है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आता है। तो हम यहाँ पर ओके करते हैं। हमने यहाँ पर अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर आयरिस को लगा के रखा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर सेटिंग पर जाने के बाद में मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, एडिशनल सेटिंग में जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर OTG कनेक्शन को ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर MISO V2E हमने आयरिस लगा के रखी है। तो इस प्रकार से हमारे को पॉपअप आ जाता है। तो अपन यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो इसका RD का सॉफ्टवेयर है मंत्रा आयरिस का, उस सॉफ्टवेयर को अपन यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पर एक रेड बिंदु आ रहा है, ये तीनों है, ग्रीन बिंदु आने चाहिए। अपन यहाँ पर कैप्चर टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मंत्रा आयरिस के अंदर लाइट आ जाती है। उसके बाद में हमारे को यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारी आयरिस है बिल्कुल मोबाइल के अंदर वर्किंग करने लग गई है। उसके बाद में अपन यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, वापस DGPA एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा DGPA एप्लीकेशन ओपन हो गया है। स्कैन एंड प्रोसीड पे अपन क्लिक करते हैं तो हमारे आयरिस डिवाइस के अंदर लाइट आने लग गई है और यहाँ पर हमने आयरिस से आँख को स्कैन करवा लिया है और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है और ये हमारी न्यू DGPA एप्लीकेशन है, इस प्रकार से ओपन हो गई है। तो ये न्यू DGPA एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन हुई है, लेकिन यहाँ पर न्यू ऑप्शन हमारे को कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। और प्ले स्टोर के अंदर एक चीज़ बताया जा रहा है कि इसमें क्या अपडेट किया गया है, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं प्ले स्टोर को वापस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर DGPA एप्लीकेशन पे अपन क्लिक करते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ न्यू, यहाँ पर 24 नवंबर को अपडेट किया गया है। DMT यहाँ पर DMT के अंदर बग है, वो उसको फिक्स किया गया है, बाकी कोई भी चीज़ इसके अंदर अपडेट नहीं की गई है। तो इस प्रकार से आप अपना न्यू DGPA 6.4 को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 6.4 वर्जन हमारे को कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपन यहाँ पर DGPA को ओपन करते हैं, यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक मैं बैलेंस इंक्वायरी आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर लगाना है, उसके बाद में यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर लगाना है, उसके बाद में यहाँ पर राइट कर देना है और स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आयरिस के अंदर लाइट आ जाएगी, फिर कस्टमर का आई है उसको स्कैन करवा लेना है। स्कैन करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पर बैलेंस भी शो करेगा। और थोड़ा सा आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो ये थैंक यू फॉर DGPA 6.4A लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये न्यू वर्जन 6.4 वर्जन आ गया है DGPA मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने DGPA के अंदर वर्जन को चेक कर सकते हैं और न्यू DGPA मोबाइल वर्जन का इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके अंदर आपको क्या न्यू देखने को मिल रहा है।